हेलो फ्रेंड्स, आज निश्चित तारीख पे 11 मार्च को बीपीएसएससी ने बिहार दरोगा की परीक्षा ले ली, ऑर्गेनाइज़ की है। परीक्षा हो रहे हैं बिहार के अलग अलग जिलों में, सब जगह हो रहे हैं। लेकिन एक बात आप भी सुन रहे होंगे, हम लोग भी सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं कि ये जो भर्ती परीक्षा हो रही है इसमें उत्तर वायरल हो गया, पहले से ही बाहर निकल गया है, लोगों के बीच में ये बहुत चर्चा है और यही चर्चा करने हम आपके पास आए हैं। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये हिंदुस्तान में भी आ चुका है, तो इसी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। शायद मैं ऐसे बोलूँ तो कोई विश्वास ना करे, बट आप यहाँ पे देखो hindustan.com में, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का जो ये चैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा जारी, उत्तर वायरल होने की अफवाह से छात्र परेशान है। तो ये क्या है, पूरा न्यूज़ आप पढ़ो देखो। और ये 11 मार्च 2018 11:30 बजे ये न्यूज़ आया है। इसमें देखो अभी क्या है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 कड़ी सुरक्षा व उत्तर वायरल होने के अफवाह के बीच रविवार को बिहार के कई केंद्र पर दरोगा भर्ती की परीक्षा शुरू हुई। भर्ती परीक्षा में लाखों परीक्षार्थी अपने किस्मत आजमा रहे हैं। खगड़िया के मध्य विद्यालय बहुली प्रांगण में जगह की कमी के कारण टेंट लगाकर परीक्षा ली जा रही है। बताइए, टेंट लगा के परीक्षा ली जा रही है, क्या होगा? परीक्षा के दौरान वहां डीएम जय सिंह, एसपी मीनू कुमारी, एडीओ मनीष कुमार, मीना आदि अधिकारी विभिन्न परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करते दिखे। इन अधिकारियों से जब उत्तर वायरल होने की खबर के बारे में पूछा गया तो इन्होंने मोबाइल पर उत्तर वायरल होने की घटना को महज अफवाह बताया है। ये महज अफवाह बताया गया है, लेकिन असलियत तो आप ही बता सकते हो, क्योंकि आप भी परीक्षा देख रहे हो, आपने आजू बाजू का माहौल देखा होगा, कुछ महसूस किया होगा। तो हमारी ये विनती है कि आप उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 लिखो, जिससे कि हम इस पे इसका कुछ निष्कर्ष निकालें। क्योंकि आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, हमने जो देखा है हमने महसूस किया है, आपने क्या महसूस किया है वो प्लीज़ 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 नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि हम एक निष्कर्ष निकाल सकें। और आपका भी, आप भी हमारे वीडियो को देख के और जो भी कमेंट्स है उसको पढ़ के कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो। आगे क्या लिखा गया है देखो, पूरे राज्य भर में दरोगा भर्ती परीक्षा आज ही ली जा रही है, इसके लिए राज्य भर में 708 केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा पर प्रशासन की खास नज़र है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग परीक्षा को लेकर खास सतर्क है, उत्तर वायरल करने वालों पर विशेष नज़र रखी जा रही है। परीक्षा से संबंधित निर्देश सभी जिला पदी अधिकारियों को भेज दिया गया है, अफवाह फैलाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। अभी अफवाह है कि रियलिटी आप ही जानो, आप भी अपना लिखो कमेंट बॉक्स में। यहाँ पढ़े इस परीक्षा से जुड़ी खास बातें, खास बातें क्या क्या है शायद आप लोगों को भी मालूम हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। पटना में 69 केंद्र, पटना में 69 केंद्र, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष सुनीता कुमार ने बताया कि राज्य भर में 708 केंद्र पर परीक्षा ली जा रही है और पटना में टोटल कितना है, 69 केंद्र है, और पूरे राज्य में, पूरे बिहार में क्या 708 है। पटना में दो पाली में परीक्षा होगी, पहली पाली में 40,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, वहीं दूसरी पाली में 23,000 शामिल होंगे। पहली पाली के लिए 69 केंद्र बनाए गए हैं। तीन जिले में चुनाव होने की वजह से वहाँ के अभ्यर्थियों का सेंटर बदलकर पटना कर दिया गया है। उसके बाद 1717 पदों के लिए 4.2 लाख अभ्यर्थियों ने, दरोगा के 1770 में 4,28,200 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तो इतना परीक्षार्थी शामिल हुआ है। आसान सवाल पहले बनाएं, अच्छा ये तो बाद का बात है ये सब, लेकिन ये है, आप भी अपना कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्या आपने महसूस किया परीक्षा देते हुए। ओके, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। थैंक यू।